देखिए फ्रेंड्स, अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गिफ्ट ना बहुत अच्छा लगता है लड़की को, बहुत अच्छा लगता है ना लिफ्ट में। नींद भी गायब हो गई लिफ्ट में बैठते ही। बैग कहाँ है आपका? ट्रॉली बैग है और मेरा बैग आगे कोई बैग का। थैंक यू मैम, तुमने बहुत सपोर्ट किया। अरे जब से हम लोग आए तब से परेशानी हो तुम लोग। हम लोग तो आने से पहले जरूर परेशान कर रहे हैं, से आए हो परेशान हो रहे हैं इतनी गर्मी में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं कानपुर के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है यहाँ झांसी यूनिवर्सिटी। और झांसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत सुंदर माता रानी का मंदिर है पहाड़ों पे। तो वहाँ पर भी मुझे जाना था पर नहीं जा पाई। वो देखिए अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बहुत ऊंचाई पे मंदिर, वही मंदिर है। वहाँ जाना था पर ये गाड़ी की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, हम लोग वहाँ भी नहीं पहुँचे। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं। पीछे बच्चा बन रहा है तो बना। इसी में बगैर ना पूछ ले ये ऑटो वाले। हां तो दो ऐसा भैया, यहां पे सीएनजी पंप किधर है? सीएनजी एक तो अगर आगे है, एक आप पीछे छोड़े हैं। पीछे इसी रोड पे ये इधर तो नहीं है, तो इधर लगा था, उस पे लिखा था बड़ा गांव 6 किलोमीटर। ये देखो मंदिर कहाँ पहाड़ों पे। धीरे धीरे चलना देखते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को भरवानी थी गाड़ी में सीएनजी। और हम लोग जो मेन सीएनजी हम लोगों को सिटी में मिलती वो हम लोग मिस कर गए, उसको नहीं देख पाए। हम लोग आ गए काफ़ी दूर और यहाँ दो सीएनजी मिली पर वहाँ पर सीएनजी नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि आगे पता नहीं मिले ना मिले, तो इससे अच्छा गाड़ी को बैक करते हैं और फिर शहर चल के सीएनजी लेके तब वापस आएंगे। तो वही भैया ने किया था, गाड़ी टर्न ले ली थी। और देखिए यहाँ से इन्होंने ली है गाड़ी को टर्न ले के, फिर सीएनजी भरवा के हम लोग कानपुर के लिए निकले। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आ गए हैं एक ढाबे पर। शाम का बजा था 5:30 बजे का टाइम था शायद। मौसम बहुत अच्छा था इधर और मतलब ढाबा भी बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आके बहुत शांति लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर ढाबा बनाया गया था। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे बैठे, बड़ा रिलैक्स मिला। खुले खुले में लग रहा था बस यहीं बैठे रहें, जाए ना कहीं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं, फिर देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर से। अरे आइसक्रीम, इसको आइसक्रीम जाने कितनी चाहिए। बीच वाले में बैठो उस पे। चलो अच्छा है ना, वहाँ बैठना, इधर आइए। सिट्टू भी यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, बैठो शिट्टू पिट्टू, शिट्टू पिट्टू। मेरे को पानी वानी बह रहा है। सुंदर है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोगों की आ गई है चाय और प्याज के पकौड़े। और प्याज के पकौड़े फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी थे और चाय भी इनकी बहुत ही टेस्टी थी। हम लोगों ने तो दो दो कप चाय पी और पकौड़े भी मन भर के खाए, बहुत टेस्टी लगे। और सीटू के लिए बनवाई थी मैगी, वो सब साथ में ला रहा था तो उसकी मैगी यहाँ से छूट गई तो उसे दोबारा बनानी पड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स खा लेते हैं। पकौड़े बहुत अच्छे थे, चाय भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से निकलते हैं फिर से कानपुर के लिए। और फ्रेंड देखिए हम लोग कानपुर आ गए थे तो बच्चों के लिए हम लोगों ने खाने के लिए लिया था डोसा। बच्चों से पूछा तो बोले कि आपको जो मन करे ले आना खाने के लिए, तो बच्चों के लिए ले लिया था डोसा। और देखिए हम आ गए हैं अपने मोहल्ले में, ये है हमारा पार्क। तो चलिए चलते हैं घर पर। ये लगी सारी मशीन है, यहाँ पे जिम करते हैं। बेटा जरा ये वो बंद कर दीजिए अपना। कोई टाइम सेम हो गया जो अभी लोगों को बुला दूंगा ना तो मैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने गाड़ी थोड़ा सा पहले ही रोक ली थी क्योंकि वहाँ से फिर मोड़ने में दिक्कत होती है अगर घर तक लाते। तो अब हम लोग जा रहे हैं पैदल, कृष्णा आ गया था लेने और लोगों ने जान लिया है कि हम लोग आ गए हैं तो लोगों ने अंदर गेट पर वेट कर रहा है। लोगों से तो मिलने जा रही हैं, छोटे वाले से और मिलेंगी, बड़े से नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लोबो बाबू, हाय लोबो कैसे हो? बाबू क्या होगा, अब पहचाने दूंगी माँ कहाँ है, वो कंफ्यूज हो रहा है। क्या 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 है? अरे आंटी आंटी है, क्या हुआ क्या हुआ है, क्या हुआ? अरे 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 बैठ जा लोगो, क्या हुआ बोलो तो। क्यों लड़ रहे हो है, क्यों लड़ रहे, क्या हुआ, क्या क्या क्या? अभी तुम हमसे क्यों नहीं बात कर रहे थे? अभी तो तुम आंटी से बात कर रहे थे, अभी तो तुम सीटू से बात कर रहे थे, हैं?